दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। मेरी शादी को एक साल हो चुका है। पिछले साल जब मैं और माधवी हनीमून मनाने हिमाचल गए, तब ये घटना हमारे साथ घटी थी। हिमाचल में हमने 4 दिन गुजारे। हमारे वापस दिल्ली आने का समय हो गया था, इसलिए हम अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल पड़े। रात के 11 बजे हम हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रास्ता एकदम सुनसान था और हमारी गाड़ी तेजी से जा रही थी। अचानक मुझे अपनी गाड़ी के आगे एक आदमी और एक औरत दिखी। वह दोनों दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रहे थे। उन्हें देखकर माधवी ने मुझे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो दोनों जने गाड़ी के सामने आ गए, जिससे मजबूरन मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। वह दोनों जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगे। उनके चेहरे के हाव भाव में ऐसा लग रहा था कि जैसे वे किसी बड़ी मुसीबत में हो। माधवी ने मुझे गाड़ी का दरवाज़ा ना खोलने को कहा और कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। पर मैंने कहा कि अगर सच में ये लोग किसी मुसीबत में होंगे तो उन्हें हमारी ज़रूरत है, क्योंकि वे लोग दिखने में एक अमीर घराने के लग रहे थे। ये बोलते ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वो आदमी घबराते हुए बोला, साहिब प्लीज़ हमारी मदद करें, हमारी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए हैं, प्लीज़ उन्हें बाहर निकालने में हमारी मदद करें। ये सुनते ही माधवी भी बाहर आ गई और हम चारों खाई की तरफ भागे। हमने देखा कि वो गाड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। मैं फटाफट नीचे गया और देखा कि पीछे वाली सीट पर 2 बच्चियां फंसी हुई हैं। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा पर वह नहीं खुला, दरवाज़ा अटका हुआ था। मेरे काफ़ी जोर लगाने के बाद वो दरवाज़ा खुल गया। मैंने सही सलामत उन दोनों बच्चों को बाहर निकाल लिया और अपनी गोद में रख लिया, पर वो बच्चे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी मेरी नज़र आगे की ड्राइविंग सीट पर गई, जहां मुझे 2 जने बैठे हुए नजर आए। लेकिन गाड़ी का आगे वाला शीशा धुंधला था, इसलिए मुझे कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसे साफ करने के बाद जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि अगली सीट पर कोई और नहीं बल्कि वही औरत और उसका पति, जिसने मदद मांगने के लिए हमें रोका था, वहाँ पर जख्मी हालत में पड़े थे। उनके सिर से खून निकल रहा था, लेकिन वे मर चुके थे। माधवी मेरी हालत देखकर फटाफट मेरे पास आई और वो भी ये भयानक मंजर देखकर हैरान हो गई। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे साथ वो पति पत्नी नहीं थे, शायद उनकी आत्मा अपने बच्चों के खातिर हमसे मदद मांग रही थी। उन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं गई। इस हादसे के बाद हमने उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। ये कहानी मेरे मामा के गांव की है। गांव में मेरे 2 मामा और उनका परिवार रहा करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक सड़क हादसे में मेरे बड़े मामा की मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद मेरी बड़ी मामी की भी मौत हो गई। इसके बाद मेरे छोटे मामा और उनका परिवार भी गांव का घर खाली करके शहर आ गया। पर कुछ महीने बाद मेरे छोटे मामा को गांव के घर की मरम्मत करवाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने गांव में मरम्मत का काम शुरू कर दिया। एक दिन शाम को मरम्मत का काम खत्म करके छोटे मामा रात के करीब 8 बजे छत पर खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि नीचे मेरी बड़ी मामी खुले बालों में आंगन में टहल रही है। ये नज़ारा देखकर मेरे मामा की आँखें फटी की फटी रह गई। वह तुरंत नीचे की ओर भागे।
लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मेरी बड़ी मामी नीचे से चौथी सीढ़ी पर बैठी थी और पीछे गर्दन करके उन्हें घूर रही हैं। ये देखकर मेरे मामा बुरी तरह डर गए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इसके बाद उन्हें सुबह जब होश आया तो वह पड़ोसियों के घर गए और उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मेरे छोटे मामा का मानसिक संतुलन बुरी तरह से बिगड़ गया। वो जल्द से जल्द शहर आ गए और घर की मुरम्मत का काम भी वहीं बंद कर दिया। आज भी वह उस भयानक रात को कभी भूल नहीं पाए। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।